हेलो, स्वागत है आप सभी का आरबीओ यूट्यूब क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन क्लास 8 की मैथ का एक्सरसाइज 9.2 का लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा लास्ट क्वेश्चन? चलो फिर आज इसमें देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। और देखने से पहले फिर वही घिसी पिटी बातें, क्या बुक नोटबुक पेन लेकर बैठ जाओ और इस क्वेश्चन को मेरे साथ राइट करते रहो। चलो फिर, ऑब्टेंड द प्रोडक्ट ऑफ, भैया प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है x कमा वाई, वाई कमा जेड और जेड x, यानी कि जेड। चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्स वाई कमा वाई जेड कमा जेड एक्स, इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई। किसको किसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता सीख लो, आओ देखते हैं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट करना है तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। अब आपको करना है क्या है? देखो यहाँ पर कोफिशियंट है नहीं, वन वन है, तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। आप सीधे सीधे एक्स के लिए एक ब्रैकेट लगा लो, तो एक्स यहाँ पर है इंटू एक्स यहाँ पर है, ऐसे टिक कर लो, भूलेगा नहीं। ठीक है, टिक कर लोगे तो क्या होगा? भूलेगा नहीं, तो एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। फिर एक दूसरा ब्रैकेट लगा लो, वाई है तो वाई लिख दो इंटू वाई लिख दो, क्योंकि यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया है। फिर एक तीसरा ब्रैकेट लगा लो, जेड आया हुआ है, जेड के लिए लगा लो। बाकी ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो अब आप ध्यान से देखो, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो गया। फाइनली क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया आंसर। फिर से देख लो, हमें इसको मल्टीप्लाई कराना है एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। तो क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में जितने एक्स वाले टर्म हैं उनको मल्टीप्लाई साइन के साथ रखेंगे, यानी एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स यहाँ पर और यहाँ पर आया है। इसी प्रकार से वाई इंटू वाई और इसी प्रकार से जेड इंटू जेड। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि पावर एड होते हैं, तो यहाँ पावर एक है और यहाँ पावर एक है, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार से वाई स्क्वायर और इसी प्रकार से जेड स्क्वायर। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आंसर। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? ए इंटू माइनस ए क्यूब, सॉरी ए इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब एक अच्छी बात यह है कि ध्यान से देखना, जब कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई करना हो और उसमें माइनस की संख्या ऑड टाइम्स आया हो, ऑड मतलब जैसे एक बार आया हो या तीन बार आया हो या पांच बार आया हो या सात बार आया हो, ऑड टाइम्स आया हो, तो साइन तो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो एक दो तीन, लेकिन जो साइन है माइनस का वो एक ही बार आया है, एक जो होता है वो ऑड होता है, तो इसलिए साइन माइनस का हो जाएगा। ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो देखो पावर थ्री है, पावर टू है और पावर वन है, वो लिखा नहीं है और ना ही लिखा जाता है। तो कितने हो जाएंगे भाई? पावर एट हो जाएंगे, थ्री प्लस टू प्लस वन सिक्स हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? सिक्स हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा माइनस ए रेज टू द पावर सिक्स। मल्टीप्लाई करने पर पावर क्या होते हैं? पावर एड होते हैं, पावर एड। इसको मैं समझाता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये कैसे हुआ। देखो जो ए है ना, उस पर आप लिख सकते हो वन प्लस टू प्लस थ्री। देखो पावर वन प्लस पावर टू और प्लस थ्री, तो कितना हो गया? थ्री प्लस टू वन फाइव वन सिक्स, तो पावर कितना लिखा जाएगा? सिक्स। यानी कि एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। कैसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि टू कामा फोर वाई। देखो ये गुस्सा आ गए हैं ना, इन्होंने तीन के बजाय चार टर्म दे दिया है, तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे इसको। फोर वाई इंटू एट वाई स्क्वायर इंटू सिक्सटीन वाई क्यूब, कितना? सिक्सटीन वाई क्यूब। ठीक है, कितना लिखा है ये? सिक्सटीन वाई क्यूब, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। तो अभी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? देखो टू इंटू फोर इंटू एट इंटू सिक्सटीन। ऐसा क्यों हुआ सर? कोफिशियंट को हम पहले लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वेरिएबल का नंबर आता है। तो देखो सब में वाई वाई है तो ब्रेकेट लगा देंगे, एक वाई यहाँ पर आ गया, एक वाई स्क्वायर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया वाई क्यूब। ठीक है, तो अभी क्या करूँ ना कि ऐसी सिचुएशन में जैसे छोटे से बड़े की तरफ है, तो आप बड़े नंबर से पहले छोटे मल्टीप्लाई करो।
जैसे 16 8 कितना होता है, तो 16 किसको किसको टेबल आता है, 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 8 जा 128। अब 128 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 4 से। तो उसके लिए आप ऐसा करो, देखो जब 4 को 8 में मल्टीप्लाई, सॉरी 4 को जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, 8 को 16 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 128। तो मतलब यहाँ पर देखो ऐसे कर लो, 8 into 128, मतलब एक बार में ना करो क्योंकि गलती हो जाएगी। अभी देखो इसमें क्या होगा कि जो y है ना उसके पावर 1 है, 2 है, 3 है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो कितना होगा फिर 3 + 2 + 1 y^6। इनको मल्टीप्लाई कर लो, कर लेते हैं फिर। अब देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है, 8 8 जा कितना होगा, 8 8 जा 64, राइट करेंगे 4, कैरी करेंगे 6, 8 2 जा 16 और +6 22, राइट करेंगे 2, कैरी करेंगे 2, फिर 8 1 जा 8 2 10 y^6। क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब जिन बच्चे को ये वाला मल्टीप्लीकेशन समझ में नहीं आया वो देख सकते हैं, मैं अलग से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं 2 में 4 मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 8, फिर 8 में मैं कितना मल्टीप्लाई करूँगा 8, फिर कितना हो जाएगा 64, फिर 64 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो 16 4 जा 64, 6 कैरी और 16 6 जा 96 और +6 कितना हो जाएगा 96 + 6 102 हो जाएगा, कितना 102। तो आप कैसे भी करो आपका मल्टीप्लिकेशन कैसा आना चाहिए, 1024 आना चाहिए। और किसी को पता है 1024 क्या होता है, आ देखते हैं, ठीक है। तो ये इसका हमारा आंसर होगा, कितना आया 1024 y^6। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, ये कहता है कि a, 2b, 3c, 6a, b, c, इसको मल्टीप्लाई करो। तो अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, आप वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करो, फिर मेरे आंसर के साथ मिलाओ। सही हुआ तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो फिर डंडे खाओ। आगे देखो, a (2b) (3c) (6ab, c). अभी देखना क्या होगा यहाँ पर, देखो 1 के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 खड़ा होता है, सॉरी a के साथ कोई नंबर नहीं होता है तो 1 खड़ा होता है, मतलब इसका कोफिशियंट 1 होगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे। और इसके साथ कोफिशियंट 2 है, और इसके साथ कोफिशियंट 3 है, और इसके साथ कोफिशियंट 6 है, कोफिशियंट का काम ख़त्म। यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, यानी कि a (a), यहाँ पर b है यानी कि b (b), फिर यहाँ पर c है और (c). तो ये हमारा हो गया काम फिनिश। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 3 6 जा 18 18 2 जा 36 36 1 जा 36, a (a)² b (b)² c(c)² आंसर आएगा 36 a² b² और c² आंसर। किस किस को समझ में नहीं आया हाथ ऊपर करो। चलो अभी लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर, 5 m (-mn) (mnp). तो देखो ध्यान से, इसमें कोई भी 1 के सिवा कोई कोफिशियंट है नहीं तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, आंसर तो 1 ही आएगा। आगे देखो, m जो है 3 बार आया है, तो यहाँ से और यहाँ से, तो m (-m)(m) इंटू एन, यहाँ और यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा n (n)(p). अब देखो ये माइनस साइन ना यहाँ पर लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो ऑड टाइम्स माइनस का साइन आया है, माइनस साइन एक ही बार आया है मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब देखो m (m)(m) 3 बार आया है तो ऐड हो जाएगा m^3 यानी कि m³। n(n) 2 बार आया है तो यानी हो जाएगा n²। p एक ही बार आया है तो p, यानी आंसर कितना आएगा, -m³ n²p, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है।
किस किस को वीडियो पसंद नहीं आया, जिस जिसको वीडियो पसंद नहीं आया वो कमेंट करके लाइक करके सब्सक्राइब करके जा सकता है, और जिसको पसंद आया वीडियो को लाइक कर सकता है। और आप बताइए कितने कितने लोगों ने क्वेश्चन को राइट नहीं किया, जिन्होंने राइट नहीं किया खड़े हो जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।